नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमोह में 1 मई को श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान पर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दमोह कलेक्टर कार्यालय में एडीएम नाथुराम गोंड को ज्ञापन सौंपकर भोपाल स्थित पत्रकार भवन की लीज डीड बहाल करने, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, त्रिपक्षीय कमेटी गठित करने, बेगारी प्रथा रोकने, राष्ट्रीय टोल नाकों पर अधिमान्य पत्रकारों को छूट देने की मांग शामिल है। इस मौके पर जिला जनसंपर्क अधिकारी वाई ए कुरेशी, श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांतीय सचिव रामचरण पराशर, जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव, संभागीय उपाध्यक्ष देवानंद राठौर, जिला महासचिव ऋषि पटेल, हटा ब्लॉक अध्यक्ष अमजद कुरेशी, पथरिया ब्लॉक अध्यक्ष संजय जैन, बटियागढ़ ब्लॉक अध्यक्ष स्वामी सिंह, अशोक तिवारी, अजय सराफ, प्रशांत दुबे, नीरज श्रीवास्तव, नरेंद्र अहिरवार, अशोक बंटी शर्मा, मनीष साहू, राजा ठाकुर, मृदुल अग्रवाल, देवेश खरे, सचिन पाटकर आदि भी उपस्थित रहे। पत्रकार संघ की जिला इकाई ने प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आज मजदूर दिवस 1 मई को दमोह कलेक्टर साहब को जो है ज्ञापन सौंपा है और इसमें पत्रकार सुरक्षा से संबंधी और भी अन्य कई मांगे हैं जो हम लोग सरकार से पहले भी कर चुके हैं और आज भी मजदूर दिवस पर ज्ञापन के माध्यम से हमने उन मांगों को रखा है और आज कलेक्टर साहब को जिले भर के जो है पत्रकारों ने इकट्ठा होकर श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा दिया गया है। आज हमारा ये संगठन मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रतिवर्ष 1 मई को पत्रकारों की समस्या संबंधी जो भी विषय रहते हैं इसका ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय के अध्यक्षों के माध्यम से सौंपा जाता है और आज चूंकि उसी का उसी को लेकर 1 मई अवसर पर यह ज्ञापन सौंपा गया। आज 1 मई मजदूर दिवस है और श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश इकाई के आह्वान पर हम लोगों ने आज दमोह में यह ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा है और ये मुख्यमंत्री के नाम यह हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी कई सूत्री मांगे हैं जो पत्रकारों के हितार्थ हैं, जिसमें पत्रकार भवन की लीज बढ़ाने, पत्रकारों सुरक्षा कानून देने, बीमा की राशि जो हर वर्ष लगती है उसको लेके, ऐसी हम लोगों की कई सूत्री मांगे हैं जिनको लेके आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही कहना है कि वो जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करें। साथ ही पत्रकारों के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं उन हमलों को लेकर कोई विशेष कानून बनाते हुए पत्रकारों के लिए एक विशेष सुरक्षा कानून बनाया जाए, यही हमारी प्रमुख मांग भी है और हम यही चाहते हैं कि पत्रकार एक चौथा स्तंभ कहा गया है तो वो चौथा स्तंभ अगर है तो उसको सरकार को भी मानना चाहिए और पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। दमोह से खबर समय जगत के लिए जिला ब्यूरो चीफ देवेश खरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।